कुशीनगर जनपद अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक खदा में टीम, प्रभारी निरीक्षक पठरवा में टीम, जनपद की स्वाट टीम, सर्विलांस, साइबर व अन्य थानाओं के प्रभारी की संयुक्त टीम द्वारा फाजिल नगर में चेकिंग के दौरान एटीएम काट कर पैसा लूट करने वाले अंतरप्रांतीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गैंग के साथ अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें अभियुक्त गणों ने पूछताछ के दौरान ये भी स्वीकार किया कि विगत माह थाना तमकोहिराज क्षेत्र अंतर्गत हुई चोरी की घटना हम लोगों द्वारा ही कारित की गई थी। घटना में प्रयुक्त एक अदद स्कॉर्पियो व एक अदद डीसीएम की बरामदगी की गई है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में अभियुक्त गणों द्वारा ये भी बताया गया कि हमारे द्वारा गिरोह बनाकर बिहार, पश्चिम बंगाल राज्य में भी काफी घटनाएं कारित की गई है, जिसकी जानकारी जुटाने में टीम लगी है। खुलासा हुआ है, किस तरह की घटना थी, क्या खुलासा हुआ है? जनपद कुशीनगर में पटेरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को मुखबिर से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति वहां पर घटना कारित करने के उद्देश्य से देखे गए हैं। इसी क्रम में पुलिस ने वहां पर व्यापक चेकिंग अभियान करवाया था और वहां पर घेराबंदी की हुई थी। इसी संदर्भ में फाजिल नगर के पास जो एटीएम है वहां पर एक संदिग्ध गाड़ी पुलिस को दिखाई देती है। पुलिस उसको रोकने का प्रयास करती है, लेकिन वो गाड़ी पुलिस द्वारा नहीं रोकी जाती है और पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगती है और बैरिकेड तोड़ के भागने का प्रयास करती है। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की जाती है इसमें, और इसमें चार बदमाशों को गोली लगती है जो घायल होते हैं। ये चार जो हैं उनका नाम इकराम है, खालिद, इजाजुल और इकबाल। इसमें से जो इकराम है वो 50,000 का इनामी है, बाकी शेष जो है वो 25,000 के इनामी है। इनमें से तीन व्यक्ति मेवात के रहने वाले हैं, हरियाणा के, और एक व्यक्ति मथुरा का रहने वाला है। इनसे पूछताछ की गई तो इनकी एक जो बैकअप टीम थी उसको भी पुलिस द्वारा दबिश दे के गिरफ्तार किया गया है। उसमें तीन लोग शामिल हैं, जिसमें से एक महिला भी है। तो इस प्रकार से कुल 7 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने ये स्वीकार किया कि विगत माह तमकुहीराज में जो SBI के ATM को काटकर पैसा चुराया गया था वो घटना इन्हीं के द्वारा कारित की गई थी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, असम, कई राज्यों में इन्होंने इस तरह की घटनाएं कारित की हैं जहां पर ATM को लूटा गया है, ATM को काटकर वहां से पैसे चुराए गए हैं। इनका एक व्यापक विस्तृत आपराधिक इतिहास है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जो इकराम है उसके करीब 35 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, हरियाणा से वांछित है, हरियाणा से भी इनामी रहा है। इनके पास से एक स्कॉर्पियो कार, एक कंटेनर वैन बरामद की गई है, एक कंट्रीमेड पिस्टल है, 4 तमंचे बरामद किए गए हैं, भारी मात्रा में कारतूस बरामद है। इसके अलावा 3,00,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इनके पास से ATM काटने के जो मशीनें हैं, सिलेंडर है, गैस कटर है, उसको भी बरामद किया गया है। इस सराहनीय कार्य को करने में खड्डा, पटेरवा, तमकुहीराज, स्वाट, सर्विलांस और SOG की टीम ने काफ़ी अच्छा योगदान किया है। माननीय ADG सर के द्वारा और DIG सर के द्वारा इस पूरी टीम को 50,000 रुपये पृथक रूप से पुरस्कृत किया गया है, और मेरे द्वारा भी इनको 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है।